वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। ध्यायेत नित्यं महिषं रजत गिरणिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुतममृगनैर्व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं सोमवार के दिन सोमवार व्रत की कथा। सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम व निष्ठा के साथ सोमवार का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार भगवान भोलेनाथ मृत्यु लोक में विहार की इच्छा करके माता पार्वती के साथ पधारे। विदर्भ देश की अमरावती नगरी जो कि सभी सुखों से परिपूर्ण थी वहां पधारे। वहां के राजा द्वारा बनाया गया एक अत्यंत सुंदर शिव का मंदिर था जहां वह रहने लगे। एक बार माता पार्वती जी ने चौरस खेलने की अपनी इच्छा भगवान के सामने प्रकट की। तभी मंदिर में पुजारी का प्रवेश हुआ। पुजारी जब प्रवेश किया तो माता जी ने पूछा कि पुजारी बताओ कि इस बाजी में किसकी जीत होगी। तो ब्राह्मण ने कहा कि महादेव जी की जीत होगी, लेकिन पार्वती जी जीत गईं। तब ब्राह्मण को उन्होंने झूठ बोलने के अपराध में कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कई दिनों के पश्चात देवलोक की अप्सराएं उस मंदिर में पधारी और उसे देखकर इसका कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सब कुछ बता दिया। तब अप्सराओं ने ढाढ़स बधाया और 16 सोमवार के व्रत रखने को ब्राह्मण को बताया और विधि पूछने पर उन्होंने विधि भी बताई। इससे शिव जी की कृपा से सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। फिर अप्सराएं स्वर्गलोक को वहां से चली गईं। ब्राह्मण ने सोमवार का व्रत करके रोग मुक्त होकर जीवन व्यतीत किया। कुछ दिन के बाद फिर शिव और पार्वती जी वहां पधारे। पार्वती जी ने उसके रोग मुक्त होने का उस ब्राह्मण से कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने सारी कथा कह सुनाई। तब माता पार्वती जी ने भी यही व्रत किया और उनकी भी मनोकामना पूर्ण हुई। उनसे रूठे उनके पुत्र कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी ने अपने विचार परिवर्तन का कारण पूछा। तब माता पार्वती जी ने वही कथा उन्हें भी बताई। तब स्वामी कार्तिकेय जी ने भी यही व्रत किया, उनकी भी इच्छा पूर्ण हुई। उनसे उनके मित्र ब्राह्मण ने पूछकर यही व्रत किया। फिर वह ब्राह्मण विदेश को चला गया और एक राज के यहाँ स्वयंवर में पहुंचा। वहां राजा ने प्रण किया था कि एक हथनी एक माला जिसके गले में डालेगी वह अपनी पुत्री से उसी का विवाह करा देगा। वहां भगवान शिव की कृपा से हथनी ने माला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने उससे अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया। उस कन्या के पूछने पर ब्राह्मण ने उसे कथा कह सुनाई। तब उस कन्या ने भी वही व्रत कर एक सुंदर पुत्र को प्राप्त किया। बाद में उस पुत्र ने भी यही व्रत किया और एक वृद्ध राजा का राज्य उसने पाया। जब वह नया राजा सोमवार की पूजा करने गया तो उसकी पत्नी अश्रद्धा होने से वहां पर नहीं गई। पूजा पूर्ण होने पर आकाशवाणी हुई कि हे राजा, इस कन्या को त्याग दो अन्यथा तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अंत में उसने रानी को राज्य से निकाल दिया। वह रानी भूखे प्यासी रोती हुई दूसरे नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया उसे मिली जो कि धागे बनाती थी। उसी के साथ वह काम करने लगी। पर एक दूसरे दिन जब वह धागा बेचने निकली तो अचानक तेज हवा चल पड़ी और सारे धागे उड़ गए। मालकिन ने गुस्से में आकर उसे काम से निकाल दिया।
फिर रोते फिरते वह एक तेली के घर पहुंची। तेली ने उसे रख लिया, पर भंडार घर में जाते ही तेल के बर्तन गिर गए और तेल वहां का बह गया, तो उस तेली ने भी उसे घर से निकाल दिया। इस प्रकार सभी जगह से निकाले जाने के बाद वह एक सुंदर वन में पहुंची। वहां के तालाब से पानी पीने के लिए जब वह बढ़ी तो तालाब सूख गया। थोड़ा पानी बचा था जो कि कीटों से और कीड़ों से युक्त था। उसी पानी को पीकर वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गई, पर तुरंत उस वृक्ष के पत्ते भी झड़ गए। इस तरह वह जिस वृक्ष के नीचे से गुजरती थी वह वृक्ष पत्तों से विहीन हो जाता था। ऐसे ही सारा वन ही सूखने को आया। यह देखकर कुछ चरवाहा उस रानी को लेकर एक शिव मंदिर के पुजारी के पास लेकर गए। वहां रानी ने पुजारी से आग्रह से सारी बातें पुजारी को कह सुनाई और सुनकर पुजारी ने कहा कि तुम्हें शिव का श्राप लगा है। रानी ने विनती करके पूछा तो पुजारी ने इनसे इसका निदान का उपाय बताया और सोमवार व्रत की विधि बताई। रानी ने तन मन से व्रत पूरा किया और भगवान शिव की कृपा से 17वें सोमवार को राजा का मन परिवर्तन हो गया। राजा ने रानी को ढूंढने के लिए दूत भेजा। पता लगने के बाद राजा ने बुलावा भेजा, पर पुजारी ने कहा कि राजा को स्वयं भेजो। इस पर राजा ने विचार किया और स्वयं पहुंचा, रानी को लेकर दरबार पहुंचा और उसका स्थान उस रानी को फिर से प्रदान किया। संपूर्ण शहर में खुशियां मनाई गई। राजा ने गरीबों को काफी दान और दक्षिणा दिए और भगवान शिव के परम भक्त होकर नियम पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करने लगे और संसार के सारे सुख को भोग कर अंत में शिव के धाम चले गए। इस प्रकार जो भी मन लगाकर श्रद्धा पूर्वक नियम के अनुसार 16 सोमवार का व्रत करता है या कथा श्रवण करता है वह इस लोक में परम सुख को प्राप्त कर और अंत में परलोक को प्राप्त करता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। आप सभी भक्तों के ऊपर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें।